लेक्चर नंबर सिक्स शुरू करेंगे आज हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस का। इस लेक्चर में हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बातचीत की थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बातचीत की थी, ठीक है। तो आइए समझते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको पता होगा जैसे मैंने लास्ट टर्म पे ग्राफ प्लॉट किया था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, कुछ ग्राफ ऐसा था अगर आपको याद हो, ठीक है। ये ग्राफ बड़ा ही कॉमन है। अगर हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ए वोलेटाइल, और मैं जानता हूं इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा, ठीक है ना। इस वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कुछ ऐसा आया था, ठीक है। इस वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा आया था जहां पे वेपर प्रेशर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ये टेम्परेचर है ऑफ कोर्स, और ये वेपर प्रेशर का ग्राफ एक्सिस है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और ये जहां पे कट करता है इसको हम लोग क्या कहते थे, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ये पी नॉट ए का ग्राफ है, ठीक है। अब एक ग्राफ और प्लॉट कर सकते हैं, इसी लिक्विड को सॉलिड स्टेट में ले लीजिए। ये सॉलिड स्टेट, मान लीजिए वाटर है तो ये आइस के क्यूब्स है, ठीक है, ये छोटे छोटे आइस के क्यूब्स हैं, ठीक है। और यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉलिड का वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड का वेपर प्रेशर होगा। अब होता क्या है, सॉलिड का अपना वेपर प्रेशर होगा, ये भी आप पी नॉट ए ही कह सकते हैं, लेकिन मैं डैश कह रहा हूं इस सॉलिड के लिए है। वजह है इसकी, क्यों होना चाहिए ये वेपर प्रेशर, है ना, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि क्या सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, बिल्कुल होगा। थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ कहता है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो केल्विन पे जीरो होगी। तो अगर कोई जीरो केल्विन पे नहीं है, टी केल्विन पे है, तो उसकी एंट्रोपी जीरो नहीं होगी। यानी जो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है उसमें कुछ एटम्स अपनी जगह से क्या होंगे, डिसलोकेटेड होंगे, मूव्ड होंगे एक अपनी जगह से, ठीक है। फिर से समझाऊं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो, जीरो केल्विन पर होती है। तो अगर आप जीरो केल्विन से किसी भी अपर टेम्परेचर पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें एंट्रोपी होगी, लोग जहां उनकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन है वहां से गायब मिलेंगे, और अगर गायब होंगे तो लोग वेपर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां सॉलिड के थोड़े बहुत वेपर होगा, ठीक है, ये टी टेम्परेचर नहीं है, कोई टी डैश टेम्परेचर है। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं तो ऐसा आता है, ठीक है। अगर मैं सॉलिड का वेपर प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करता हूं ऐसा आता है। इसको भी गर्म करना शुरू करिए, इसको गर्म करना शुरू करिए, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसको ठंडा करना शुरू करिए, इसको ठंडा करना शुरू करिए, इस लिक्विड को, उसी चीज का लिक्विड है ये, है ना, इसका वेपर प्रेशर घटता चला जाएगा, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, कभी ये तो ये दोनों बराबर होंगे। ये जहां बराबर हो जाते हैं उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, और ये है ना सॉलिड, सॉलिड का ग्राफ है, सॉलिड ऑफ, सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये दिस इज सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, उसका ग्राफ है, ठीक है। ये दोनों यहां कट करते हैं, जहां पर दोनों दोनों प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड जहां पे कट करते हैं उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये वो टेम्परेचर है, ये खास टेम्परेचर है जहां दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यानी इस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों एक साथ रह सकते हैं, दोनों के लिए कंड्यूसिव प्रेशर होता है, एक जैसा प्रेशर होता है, ठीक है, दोनों उस प्रेशर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर यहां की बात करिए तो यहां प्रेशर इतना हाई है कि यहां पर लिक्विड ही एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड नहीं। और इस टेम्परेचर के पहले क्या होगा, वेपर प्रेशर इतना कम होगा कि सिर्फ सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड नहीं। लेकिन ये वो टेम्परेचर है जिस पर दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और ग्राफ लास्ट टर्न पे बनाया था, अगर मैं इस लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दूं, जैसे ए वोलेटाइल प्लस बी नॉन वोलेटाइल डाल देते हैं, तो मैंने बताया था इसका वेपर प्रेशर पीए हो जाता है, और पीए हल्का सा पी नॉट ए से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, है ना, वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ जाएगी। ऐसा मैंने बताया था, इसलिए होता है क्योंकि जैसे ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ये
जो बी के सॉल्यूट, जो सॉलिड पार्टिकल है बी, वो नॉन वोलेटाइल है. नॉन वोलेटाइल चीज सरफेस पर हिंड्रेंस पैदा करेगी वोलेटाइल कंपोनेंट को ऊपर जाने में, ठीक है. इसलिए कम लोग ऊपर जा पाएंगे, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. तो गिवन टेम्परेचर टी पर, अगर दोनों का टेम्परेचर टी है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम होता है प्योर सॉल्वेंट से. तो अगर किसी टेम्परेचर पर आप देखेंगे तो पीए ये होगा. पीए का ग्राफ मैंने पिछली बार ऐसे बनाया था, और ये टीबी था आपको याद होगा, नया टीबी, इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट, और हम लोगों ने इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा था, ठीक है. हम उन्होंने इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा था. ये वेपर प्रेशर पीबी का ग्राफ है, ठीक है. ये वेपर प्रेशर पीबी का ग्राफ है, पीए का ग्राफ है, आई एम सॉरी, पीए का ग्राफ है. ये वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है. ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है. जैसे जैसे आप इस सॉल्यूशन को ठंडा करते जाएंगे इसका वेपर प्रेशर घटता जाएगा, लेकिन सॉलिड के बराबर होने में से काफी पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है. यानी क्या सीखा कि प्योर सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर में फ्रीज करता है, अगर उस प्योर सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल कॉम्पोनेंट डाल दीजिए तो उसको फ्रीज करने में और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा. ये जो टेम्परेचर में फ्रीजिंग पॉइंट के गिरावट आई है, इसको इसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है. क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो याद रखिए, अगर आप किसी नॉन वोलेटाइल, एक प्योर सॉल्वेंट में जो वोलेटाइल है, अगर नॉन वोलेटाइल चीज डाल देते हैं तो उसका, उसके लिक्विड रहने का दायरा बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सब पे ज्यादा जितने रेंज में टेम्परेचर के वो लिक्विड था थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा, ठीक है. ये जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आया है, ये सेम लॉ फॉलो करता है जैसे एलिवेशन के केस में हम लोगों ने देखा था. क्या हम कह सकते हैं कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. जहां किसकी मोलैलिटी की बात हो रही है, इस सॉल्यूशन के मोलैलिटी की बात हो रही है. जितने इसकी मोलैलिटी ज्यादा होगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू के एफ इन टू मोलैलिटी, लिख सकते हैं, ठीक है. वही सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, के एफ इंटू, जहां मैं अभी के एफ को फिलहाल एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कह रहा हूं, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कह रहा हूं. के एफ इज इंटू एम, एम को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कह सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को भी हम लोग लिख सकते हैं के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो ये फॉर्मूला बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले की तरह ही है, इसमें कोई खास चेंज नहीं आता है. आप पिछला लेक्चर भी रेफर कर सकते हैं, मैंने सेम चीज बताई थी, ठीक है. ये जो के एफ है इसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट कहा जा सकता है. क्रायो वर्ड, जैसे क्रायो सर्जरी वर्ड यूज होता है, क्रायो वर्ड तब यूज होता है जब चीजें लो टेम्परेचर पे होती हैं, ठीक है. तो इसको हम लोग, है ना, लो टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही लो ही टेम्परेचर होता है अक्सर, इसलिए इसको हम लोग क्रायो, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, ठीक है. क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है. ये भी केबी की तरह ही सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है. के एफ इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है. और आपको पता होना चाहिए कि के एफ पानी के लिए, के एफ की वैल्यू 1.86 केल्विन केजी पर मोल होती है, ठीक है. ये चीज सम, इट इज समथिंग विच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर बाय हार्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो मैंने देखा कि ये सारी चीजें सेम है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट केस में होती थी. यहां पर हम एक बात और कह सकते हैं, क्या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट की तरह फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट का भी एक्सप्रेशन वैसा ही आता है जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट का आता है. क्या केएफ को आप क्या लिख सकते हैं, आर टीएफ का होल स्क्वायर बाय 1000 एलएफ. वहां क्या लिखते थे हम लोग, है ना, केबी के लिए हम लोग लिखते थे आर टीबी होल स्क्वायर बाय 1000 एलवी. यहां पे आर टीएफ होल स्क्वायर बाय 1000 एलएफ लिखा जाएगा. जहां ध्यान रखिए सारी चीजें वही है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एलएफ इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। एलएफ की वैल्यू अगर आपको याद हो वाटर के लिए होती है 80 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है 80 कैलोरीज पर ग्राम कह सकते हैं। और टीएफ इज फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक चीज जानता हूं, एक तो फॉर्मूला यह हो गया। मैंने लास्ट टर्न पे जैसे हम लोगों ने देखा था एक ग्राम किसी भी चीज को फ्रीज करने में कितना हीट लग रहा है, एलएफ, इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, यानी इतने मोल को फ्रीज करने में हीट लग रहा है एलएफ। तो एक मोल को फ्रीज करने में कितना लगेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, 1/m लग जाएगा, इतने इतना हीट लगेगा। एक मोल को फ्रीज करने में जितना हीट लगता नहीं निकाल लिया जाता है सिस्टम से, वो आ जाएगा एलएफ इंटू एम। इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं। तो यहां पर फिर अगेन देखिए ये सारा ट्रीटमेंट वही है जो मैंने केबी के लिए किया था, ठीक है केबी के लिए किया था, वही सेम ट्रीटमेंट मैं यहां कर रहा हूं दोबारा, आपको समझने में इजी होना चाहिए। इस चीज को मैं यहां रख सकता हूं, एलएफ की वैल्यू को मैं यहां रख सकता हूं, तो मुझे नया केएफ क्या आ जाएगा, केएफ इज इक्वल्स टू आर टीएफ का होल स्क्वायर बाय 1000। एलएफ की जगह मैं रख सकता हूं डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन एम, ठीक है ये रख सकता हूं। तो केएफ की वैल्यू एक तो ये तो ऐसे ये भी आ सकती है आर टीएफ होल स्क्वायर बाय 1000 एलएफ, या केएफ की वैल्यू आप लिख सकते हैं आर टीएफ होल स्क्वायर एम बाय 1000 एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसके अलावा आपको याद होगा मैंने ये ट्रीटमेंट वहां भी किया था, सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम होगा फ्रीजिंग पॉइंट पर, ठीक है टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर इस समय फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हीट कितना निकलेगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इक्विलिब्रियम है। हम कभी भी ये चीज लिख सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए डेल्टा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको याद होगा सेम ट्रीटमेंट मैंने है ना केबी के लिए भी किया था, ठीक है तो बहुत सारे लोगों को कुछ नया नहीं लग रहा होगा इसमें। अगर फ्यूजन की बात हो रही तो यहां एफ लिख लीजिए एफ, और फ्यूजन में ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि फ्यूजन के समय इक्विलिब्रियम होता है और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है इक्विलिब्रियम पे चूंकि ये जीरो हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं क्या कि इसको उधर ले जाइए, आप कह सकते हैं डेल्टा एच फ्यूजन इज इक्वल्स टू टी फ्यूजन इंटू डेल्टा एस फ्यूजन, यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी फ्यूजन। इस चीज को भी मैं है ना, तो यहां से भी मैं डेल्टा एच को यहां रख सकता हूं, क्या मिल जाएगा मुझे जो मिलेगा मैं यहां लिख रहा हूं, क्या मिल जाएगा के एफ इज इक्वल्स टू आर टी एफ का होल स्क्वायर एम बाय 1000। डेल्टा एफ एच एफ को क्या लिख सकता हूं मैं, टी एफ इंटू डेल्टा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन लिख सकता हूं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, टी एफ कैंसिल हो जाएगा, सो के एफ टर्न्स आउट टू बी आर टी एफ एम बाय 1000 डेल्टा एच डेल्टा एस फ्यूजन, ठीक है तो ये चीज आ जाएगी। तो मैं हल्का सा एक समरी दे दूं, ये बिल्कुल ट्रीटमेंट वही है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ट्रीटमेंट रहा है, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्यों होता है, जब भी आप एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट घोलते हैं सॉल्यूशन को फ्रीज करने में ज्यादा ठंडा करना पड़ता है ताकि वो फ्रीज हो सके, ये चीज मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होती है और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये जो के एफ है उसको आप आर टी एफ होल स्क्वायर बाई 1000 एल एफ तब लिखेंगे जब आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होगी, अगर आपके पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा तो आप इसको ये लिख सकते हैं आर टी एफ होल स्क्वायर एम बाई 1000 डेल्टा एच फ्यूजन। और अगर आपको डेल्टा एच फ्यूजन नहीं पता है आपको सिर्फ एंट्रोपी पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी जो है डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी एफ होती है, तो ये चीज यहां पे सब्स्टिट्यूट करने पर के एफ इजिकल टू आर टी एफ एम बाई 1000 डेल्टा एच डेल्टा एस फ्यूजन निकल के आएगा। इस कॉन्सेप्ट को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को और अच्छा समझने के लिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर वन कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन
कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग, मेड बाय डिसॉल्विंग डिसॉल्विंग 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, ग्राम्स ऑफ वाटर. क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है के एफ ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल. तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर कि एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. ठीक है, क्या कहता है आइए देखते हैं. ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज इज C6H12O6 और ये नॉन वोलेटाइल कॉम्पोनेंट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, पानी में जाने के बाद टूटेगा नहीं, साथ में वाटर मौजूद है, है ना. मैं इसको सॉल्यूट बी कह रहा हूं और इसको सॉल्वेंट ए कह रहा हूं. ठीक है, और ग्लूकोज का जो वेट है ना वो 10 ग्राम है और वाटर का जो वेट है ए वो 100 ग्राम है. पूछा जा रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट बताइए इस सॉल्यूशन का. ठीक है, निकल जाएगा. आपको मालूम है नया जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो पुराने फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस में से डिप्रेशन निकाल कर आएगा. ठीक है, यानी जो जो नया फ्रीजिंग पॉइंट होगा जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी माइनस डेल्टा टीएफ हो जाएगा. यानी जितना डेल्टा टीएफ निकालेंगे उसके सामने आप माइनस लगा देंगे तो नया फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा. आइए निकालते हैं डेल्टा टीएफ. सिंस हम जानते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इन टू क्या होता है, मोलैलिटी. डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू हमें पता है कितनी आ जाती है, 1.86. ठीक है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या हो जाएगी? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट जो आ जाएगा वो होता है 180 ग्राम. 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 कर लीजिएगा कितना आ जाएगा, 180. ठीक है, तो डिवाइड बाई 180 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सॉल्वेंट का वेट केजी में कैसे आएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ये आ जाएगा, ये कैंसिल, ये 10 ऊपर चला जाएगा. तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 18.6 डिवाइड बाई 18. सो बहुत थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा. ये आ जाएगा 1.03 डिग्री सेल्सियस. तो मैं कह सकता हूं इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो मैं कह सकता हूं जो नया फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो माइनस डेल्टा टीएफ हो जाएगा 1.03 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट निकल आया. ठीक है, अब अगली चीज क्या, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें एक से ज्यादा अगर सॉल्यूट हो तब क्या किया जाए. ठीक है, एक से अगर ज्यादा सॉल्यूट है तो क्या कर सकते हैं देखा जाए. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूट हो तो हमें क्या करना चाहिए ये जानते हैं. तो अगला क्वेश्चन इस पे, अब तक आपको ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें एक ही सॉल्यूट था, अगर एक से ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा देखते हैं. क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर टू कहता है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% by weight of urea 5% by weight of urea and 10% by weight of glucose. An aqueous solution containing 5% by weight of urea and 10% by weight of glucose. An aqueous solution contains होगा है ना, contains 5% by weight of urea and 10% by weight of glucose. What will be its freezing point? What will be its freezing point? क्या इसका freezing point होगा? Given Kf of water is 1.86 Kelvin kg per mole. ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन. सॉल्यूशन
क्या हो जाना चाहिए यहां पे? आपको मालूम है यहां पर एक एक अलग तरह का सॉल्यूशन बना है जहां पर दो सॉल्यूट्स हैं, एक यूरिया है, एक ग्लूकोज है, C6H12O6 प्लस यूरिया भी है, NH2CONH2 प्लस वाटर है। यूरिया 5% है, तो एक काम करते हैं टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है? टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम ले लेते हैं, तो ग्लूकोज का वेट, इसका वेट कितना आ जाएगा? 5 ग्राम। और ग्लूकोज का वेट, ग्लूकोज कितना है? ग्लूकोज 10% है, ठीक है? तो 100 ग्राम में 10% मतलब 10 ग्राम हो जाएगा, तो इसका 10 ग्राम ये है ना ग्लूकोज है, यानी मैं कह सकता हूं कि जो सॉल्वेंट है वो 85 ग्राम होगा, ठीक है? 85 ग्राम होगा। और इस क्वेश्चन में मुझे मालूम है कि मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा 180, मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया जो हो जाएगा वो 60 है, और मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर जिसकी शायद जरूरत पड़े 18 हो जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है? 18 है। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो इसका नया जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस में से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटा के आएगा, ठीक है? यानी मैं कह सकता हूं 0 तो 0 ही है, यानी जो नया फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो माइनस डेल्टा टीएफ के बराबर होगा। तो यहां इस क्वेश्चन में मुझे माइनस डेल्टा टीएफ निकालना, यानी पहले मुझे डेल्टा टीएफ या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। आपको पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सिर्फ एक फॉर्मूला है क्या? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ। केएफ की वैल्यू हमें पता है, केएफ की वैल्यू होती है 1.86 होती है, ठीक है? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1.86 इनटू मोलैलिटी, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का वेट कितना है? 85 को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, 85 बाई क्या 1000 हो जाएगा। और ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखना है, ध्यान देने वाली बात है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, दोनों नॉन वोलेटाइल है, दोनों सॉल्यूट होंगे, और ये लिक्विड है, ये वोलेटाइल है, ये सॉल्वेंट होगा। एक ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, उनके टाइप पे नहीं। तो यहां मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब लिखना है तो वो सॉल्यूट यूरिया है कि ग्लूकोज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी मात्रा से पता चलता है, फर्क पड़ता है कि उनका अमाउंट कितना है। इसके जगह पे इस यूरिया के जगह पर इतना ही आप कोई और कंपोनेंट डाल दीजिए तब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू वही आएगी, ठीक है? तो इसलिए हमें लिबर्टी है कि एक से ज्यादा सॉल्यूट हो, एक हो, दो हो, पांच हो, दस हो, डजंट मैटर, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और यहां रख दीजिए। हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? नंबर्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ना कि उनके टाइप पे, ठीक है? तो एक ही, अगर मान लीजिए दोनों मिला के 10 मोल है और एक ही आदमी 10 मोल होता है, दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है? है ना, दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी। डजंट मैटर कि आप 10 मोल को पांच पांच अलग अलग लोगों के रूप में डालते हैं इस सॉल्यूशन में या एक साथ डाल देते हैं, सबकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी। तो आइए इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जोड़ते हैं। इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? ग्लूकोज के मोल्स हो जाएंगे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 10/180 प्लस यूरिया के मोल्स कितने हो जाएंगे? 5/60, ठीक है? इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, सॉल्व कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं यहां पे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1.86 इनटू, है ना, 5 3 15 प्लस 10 25, है ना, 25/180 इनटू 85/1000, शायद ऐसे ही आना चाहिए, है ना, ठीक है? अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? इसको सॉल्व जब करेंगे तो डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 3.04 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो मैं कह सकता हूं कि जो नया फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो माइनस डेल्टा टी एफ होगा, यानी जो नया फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो माइनस डेल्टा टी एफ इज 3.04 डिग्री सेल्सियस। तो आज हम लोगों ने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, इसलिए
डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने तरह का सॉल्यूट डाला है, कितना सॉल्यूट डाला है, इस पर डिपेंड करता है। इससे जितने भी अगर सॉल्यूट्स हों सबके नंबर ऑफ मोल्स लिखकर आप यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कॉलिगेटिव सॉल्यूशंस, इन सॉल्यूशंस की एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी के ऊपर भी एक क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री ये क्या कहता है, व्हाट रिलेटिव प्रोपोर्शंस, ठीक है, व्हाट रिलेटिव प्रोपोर्शंस, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट रिलेटिव प्रोपोर्शंस प्रोपोर्शंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड वाटर should be mixed to form an antifreeze solution that will not start to freeze until temperature reaches -37°C. Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole. That's a very beautiful question. ठीक है, let's see क्या करना है इसमें। मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको समझाता हूं। ये क्वेश्चन कहता है, देखिए ठंडे देशों में पहले तो आजकल तो जो गाड़ियों के इंजन है वो ऑयल कूलेंट के साथ आते हैं, पर पुराने जमाने में गाड़ियों के जो कूलेंट होते थे वो वाटर हुआ करते थे। ठीक है, तो ठंडे देशों में अगर आप है ना रेडिएटर में वाटर छोड़ देंगे तो वो ठंड की वजह से जम जाता था, जिससे सुबह गाड़ी स्टार्ट करने में या ठंडे देशों में गाड़ी स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती थी। तो लोग क्या करते थे, उस सॉल्यूशन में है ना इथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते थे। इथिलीन ग्लाइकॉल एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है ना, तो इसके मिल जाने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर का क्या प्रोपोर्शन, क्या रेशियो, क्या अनुपात रहे ताकि वो -37°C तक वो सॉल्यूशन ना फ्रीज करे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं किसे, CH2OH इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया प्लस वाटर है, इसको मैं सॉल्यूट कह रहा हूं, इसको मैं सॉल्वेंट कह रहा हूं। ये इनका 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 वेट का प्रोपोर्शन मान लीजिए है ना, इसका वेट ऑफ सॉल्यूट जो है W1 ले लीजिए और इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है W2 ले लीजिए। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 2 24 और 24 प्लस 16 2 32 एंड प्लस 62 आ जाएगा ये। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 62 है। कहा जाता है कि ये जो इन दोनों के को किस रेशियो में मिक्स किया जाए, यानी W1:W2 का रेशियो निकालना है ताकि ये -37°C तक ना फ्रीज करे। यानी मैं कह सकता हूं, आपको मालूम है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो नया होता है वो -ΔTF होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू दी हुई है -37°C इज इक्वल्स टू -ΔTF, माइनस गया, यानी आप कह सकते हैं कि ΔTF शुड बी 37°C। इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन 37 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या रेशियो हो ताकि इनका सॉल्यूशन 0 to 37°C नीचे तक भी फ्रीज ना करे। लगाते हैं वो फॉर्मूला, क्या कहते, कौन सा फॉर्मूला, ΔTF इज इक्वल्स टू KF इनटू मोलैलिटी। ΔTF इज 37°C इज इक्वल टू KF 1.86 इंटू
मोलैलिटी, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, W1 अपॉन 62। और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कैसे आ जाएगा, W2 अपॉन 1000, W2 अपॉन 1000, ये आ जाएगा 37 इज इक्वल टू 1.86 इंटू W1 बाई W2 इंटू 1000 अपॉन 62। क्या लिख सकते हैं, 37 इज इक्वल टू, अगर हम इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 186 अपॉन 62 इंटू 10 इंटू W1 बाई W2। और अगर मैं इसको यहां लिखता हूं, क्या इसको यहां ले जा रहा हूं, यहां लिखता हूं, अगर मैं लिखूं W1 बाई W2 इज इक्वल टू, तो पाऊंगा ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 10 30, मैं कह सकता हूं कि 37 बाय 30 इसकी वैल्यू आएगी। यानी जो जो इथिलीन ग्लाइकॉल है और वाटर है, उनका उनका रेशियो जो है, इथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर का जो रेशियो है वो 37:30 बाय वेट होना चाहिए। यानी अगर आप इथिलीन 37 ग्राम लेते हैं तो वाटर 30 ग्राम लेना होगा, इथिलीन 37 केजी लेंगे तो वाटर 30 केजी लेना होगा, तब ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये है ना ठंड को -37 डिग्री सेल्सियस तक झेल ले जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसमें मुझसे रिलेटिव प्रोपोर्शन पूछा गया चीजों का, कितना हो ताकि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ना फ्रीज करें। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे करते हैं, इससे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, इसको मैं यहां ही लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑन कूलिंग अ सॉल्यूशन, ऑन कूलिंग अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑन कूलिंग अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन 200 ग्राम ऑफ वाटर टू -9.3 डिग्री सेल्सियस। Kf for water is 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, नाउ दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आइए इसको सीखते हैं। क्या कहता है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें इथिलीन ग्लाइकॉल है CH2OH hold twice और वाटर है, इसको मैं बी सॉल्यूट कह रहा हूं, इसको मैं ए सॉल्वेंट कह रहा हूं। तो कहा जा रहा है कि इसमें 50 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल है, यानी WB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 ग्राम है, और WA जो है इस सॉल्यूशन में, इथिलीन ग्लाइकॉल जो है इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन है इथिलीन ग्लाइकॉल 200 ग्राम है। इसको हम लोग फ्रीज करना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट फ्रीजिंग इट। तो अगर हम इसको -9.3 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज कर देते हैं तो कितना वाटर आइस के रूप में सेपरेट कर जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी किया था, वहां भी सॉल्वेंट घटता था, यहां पे भी सॉल्वेंट घटेगा। मैं याद दिलाता हूं आपको, आपको मालूम है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, डिप्रेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो केएफ कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, सॉल्यूट जो है
जो कि डिसॉल्व किया गया है, किसका? इथिलीन ग्लाइकॉल जो सॉल्यूट है वो भी चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी ये जो एलिवेशन की वैल्यू जो बढ़ रही है, एक्चुअली टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट घटता है पर जीरो से उसकी वैल्यू जो है, दूरी जो है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है ये जरूर सॉल्वेंट के घटने से ही बढ़ेगा, ठीक है। अब सॉल्वेंट यहां घटेगा कैसे, तो जितना वाटर है उसमें से कुछ अंश फ्रीज कर जाएगा, कुछ अंश उसका, ये मान लीजिए पूरा सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, तो इसमें से कुछ चीजें आइस के रूप में फ्रीज कर जाएंगे, मान लीजिए डब्लू डब्लू ग्राम फ्रीज कर जाएगा। तो डब्लू ग्राम फ्रीज कर जाएगा, तो अब नया जो वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे हम वो कितना लेंगे, 200 माइनस डब्लू ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको माइनस 9.3 डिग्री सेल्सियस तक हीट ठंडा करते हैं तो इस 200 ग्राम में से डब्लू ग्राम फ्रीज कर जाएगा। क्या फायदा होगा फ्रीज होने से, अगर वो फ्रीज कर जाएगा तो अब हम सॉल्वेंट की वैल्यू सिर्फ 200 माइनस डब्ल्यू ग्राम लेंगे, पहले से सॉल्वेंट घट गया इसीलिए डिप्रेशन बढ़कर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं ये वैल्यू बढ़ती जाती है, सॉल्वेंट की वैल्यू घटती जाती है, और घटते 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 एक दिन जब ये पूरा सॉल्यूशन फ्रीज कर जाता है तो हम उसे लास्ट डिप्रेशन इन फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हमें W कैलकुलेट करना है, W की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसानी से निकल जाएगी। डेल्टा T कितना है, 9.3, ठीक है। डेल्टा T यहां पे रख दीजिए, 9.3 इज इक्वल्स टू KF की वैल्यू कितनी है, KF की वैल्यू है 1.86। डेल्टा T F इज इक्वल्स टू KF इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 50 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अभी हम लोगों ने निकाला था इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर वेट, आप भी निकाल लीजिएगा, 62 आता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 62, और बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का वेट केजी में कैसे आ जाएगा, 200 माइनस डब्ल्यू अपॉन क्या, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आ जाएगा ये 9.3 इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू 50 अपॉन 62 इंटू 200 माइनस डब्ल्यू इंटू कितना, 1000। 200 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू 50 इंटू 1000 अपॉन 62। 200 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये अगर आप जीरो हटा देंगे तो ये पॉइंट यहां शिफ्ट कर जाएगा, और अगर ये हटा देंगे तो ये पॉइंट गायब हो जाएगा। अब मैं इसको 3 से कैंसिल कर सकता हूं, है ना, ठीक है। तो ये 3 5 15 15, मेरे से कुछ कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं। एक काम कर सकते हैं, हमने गलती यही कर दी क्या, ये 9.3 में भूल गया, ठीक है। इसको फिर से लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 200 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.86 इंटू 50 इंटू 1000 बाय 62 इंटू 9.3। इसको जीरो को हटा दिए तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज लाइक 31, तो 200 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 5000 अपॉन 31, 5000 बाई 31 की वैल्यू आ जाएगी 161.3, ठीक है, 161.3 आ जाएगी। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 38.7 ग्राम आ जाएगी, ठीक है। तो ये इतना वेट है जो कि सॉल्वेंट का, है ना, फ्रीज कर जाएगा, ठीक है। इतना वेट है सॉल्वेंट का जो कि फ्रीज कर जाएगा, अगर सॉल्वेंट को, अगर सॉल्यूशन को हम 9.3 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां हमने देखा कि कैसे, ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने, है ना, बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन में भी देखा था। बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन में भी, है ना, कुछ सॉल्वेंट कम हो जाता है ना वेपराइज करने की वजह से, और फ्रीजिंग पॉइंट के केस में, है ना, कुछ सॉल्वेंट जो है फ्रीज कर जाता है जिससे सॉल्वेंट की वैल्यू घट जाती है, ठीक है, घट जाती है।
और इसके घटने से एलिवेशन इन बॉइलिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। आज हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन के बारे में पढ़ा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए, और इन क्वेश्चंस ने काफी मदद की हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।